दोस्तों, यह है तेल्हार कुंड और आप देख सकते हैं और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ गांव में और यहाँ से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तेल्हार कुंड और करमचट डैम जाने की, जो कि 41 किलोमीटर की दूरी है। और आज हम लोग थोड़ा सा मोटो ब्लॉक के साथ जाएंगे और वहाँ का विजुअल दिखाएंगे कि किस प्रकार से इतनी काफ़ी मात्र संख्या में जो पानियों को संरक्षित किया गया है, क्या व्यवस्था है, कैसा है और कैसा वहाँ का नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पीछे 100 cc की बाइक रेडी है, इस पर हम लोग सवार होंगे और जो डिस्टेंस है यहाँ से करीब 41 किलोमीटर का है। तो चलिए, रास्तों का एंजॉय करते हुए हम लोग निकलते हैं और देखते हैं खूबसूरती करमचट डैम की। तो दोस्तों, जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ट्रिप मीटर पे आप देख सकते हैं 194 किलोमीटर है और देखते हैं कि कितनी दूर अभी और जाना पड़ेगा और कितना समय लगता है। और एक गाँव डंडिया होते हुए रास्ता आप देख ही सकते हैं, चुनौतियों को पार करते हुए हम लोग निकल चुके हैं। बनी रहती है इसलिए हमें सब जगह पर थोड़े से तो कोई से पूछे कि सुबह कोने को पूछ नहीं बच्चा यानी करमचट के सीधा चल जी तेल्हार कुंड और बिल्कुल सीधा ये रोड पहाड़ी क्षेत्र है। और दोस्तों, आ गया चढ़ाई क्षेत्र हो, यहाँ देखते हैं क्या नजारा देखते हैं। करमचट कहाँ गया? पहाड़ में चढ़ाई।
तेलहार कुंड कितना दूर बा? मतलब तेलहार हर करमचट आएगा कितना दूर? बाबा धाम है गुप्ता धाम क्या रहा? गुप्ता धाम उधर बेलाव साइड में है। बेलाव वाला रोड पकड़ो, चेनारी हाँ हाँ यहाँ जाए तो वहाँ चल ले। तेलहार कुंड है? तेलहार कुंड कितना किलोमीटर पड़ी लगभग? दस मिनट में तेलहार कुंड चलते नहीं दोस्तों। तेलहार कुंड हमारा डेस्टिनेशन लगभग आने ही वाला है। इसके बाद करमचट डैम की तैयारी कर रही है और आगे देखते हैं क्या आई साइड वगैरह की गाड़ी पंचर हो जाए तो हालांकि संघर्ष जारी हो जाएगा आपका। पवन है यार वाला उजरते वाला हा ये फिर केहन रास्ता गल है? दोस्तों पहाड़ का ही प्रॉब्लम लगा है यहाँ देवे का चाहिए तो संकेत ये रास्ता घूम के निकल चुके हैं। हम कह रहा था ना वे चीज भाई घूम के गल है यार यार ये लगा था वो सेम ही जगह पर जाए लेकिन थोड़ा सा घुमा गाँव में जा सको दोस्तों। ये रहा हमारा तेलहार कुंड और इसका मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा हेलमेट निकाल कर। दोस्तों यही है तेलहार कुंड और आप देख सकते हैं कई विजुअल्स आपके नज़रों से गुजरी होगी जहाँ आपको बहुत सारे ढेर झरने के पानी दिखाई देते होंगे लेकिन बहुत छोटा सी धार में दिख रही है क्योंकि समय वैसा नहीं है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ किस प्रकार के पहाड़ी का दृश्य है और यहीं से पानी कहीं ना कहीं हमारे नदियों में और जहाँ भी आप देखते हैं यहीं से स्रोत होकर गुजरती है। तभी तो हम लोग यहाँ पे हैं आ चुके हैं और यहाँ बैठने बैठने का भी अच्छा खासा व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर आकर आप इंजॉयमेंट ले सकते हैं और अभी हम लोग चलते हैं देखते हैं कि और कहाँ पे कुछ व्यवस्थाएँ हैं या नहीं क्योंकि अभी तेलहार कुंड तो हम लोग आ चुके हैं लेकिन डैम जो कि करमचट डैम वहाँ पर भी जाने का प्लान है। तो तेलहार कुंड
आपने देख लिया। और थोड़ा सा और मैं आपको दिखा दूं कि आसपास से और नज़ारे तेल्हार कुंड के कैसे दिख रहे हैं, कुछ और विजुअल्स आप देख पाएँ अच्छी तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत लंबा है, कोई छोटा दृश्य नहीं है, बड़ा ही अच्छे तरीके से और बहुत गहरा है ये। और असली जो कुंड कहा जाता है जिसका नाम तेल्हार कुंड पड़ा है, तो ये आप देख सकते हैं ये वाला कुंड, और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं इसी की गहराई बहुत ज़्यादा है। और वीडियो के एक्सपीरियंस से तो आप नहीं समझ पाए, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं और रियल टाइम एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी सीज़न नहीं चल रहा है, ताकि थोड़ी सी गर्मी का सीज़न आ गया है, तो उस प्रकार से आप नहीं फील कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बरसात के मौसम में यहाँ आते हैं और ठंड उस हिसाब से हो, तो यहाँ पानी बहुत ऊँचा तक, वाटर फ्लो का जो फ्लो होता है बहुत ऊँचा आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये सारी रेलिंग लगाई गई है कि कोई व्यक्ति गिर ना पाए। और यहाँ पे हम हमेशा खतराएं होती ही रहती हैं, क्योंकि बरसात में खास करके अकस्मात घटनाएं हो जाती हैं। तो ये रहा अपना तेल्हार कुंड, इसके लिए हमें कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और बाइक भी आपने देखा कि 100 cc की बाइक, उसमें भी कई ऐसी चढ़ान जो कि काफ़ी ऊंचाई पर थे, हमें काफ़ी मशक्कत के साथ इस वीडियो को शूट करना पड़ा। दृश्य और आप यहां से देख सकते हैं, हालांकि पहाड़ का व्यू है और यहां से आप समझ सकते हैं चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। जल जीवन के लिए ढेर सारा संघर्ष, यहां के लोगों के लिए काफ़ी सारी मशक्कत करना पड़ता होगा। दोस्तों आपने देख लिया होगा तेल्हार कुंड, और हमें आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे का जो भी एक्सपीरियंस होगा अगले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही सीरीज आपको देखने को अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।